गुड मॉर्निंग टू ऑल आज अपन पढ़ने हैं एग्जाम पैटर्न फुल फॉर्म या एविवेशन जिसके अंदर ए एन एम जी एन एम बी एस सी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं तो आई से पहले जितने भी लेटर है उनके बारे में अपन स्टडी कर ली है आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड आने वाले जो एब्रीवेशन है उसके बारे में तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं एब्रीवेशन के अंदर लेटर आई के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं तो जिसके अंदर सबसे पहला है आई एम आई एम आप जानते हो इंटरा मस्क्यू इंट्रामर इसके बाद में आई वी इंटरा उसके बाद में है आई डी इंट्रा डर्मल और आई एफ आर इंटर आई एफ आर तो इसका है आई एफ आर का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है आइस लाइन रिफ्रिजरेटर आइस लाइन रिफ्रिजरेटर ये इनका फुल फॉर्म है नेक्स्ट बात करते हैं आई एफ ए आई एफ ए का फुल फॉर्म है आयरन एंड फॉलिक एसिड क्या है आयरन एंड एसिड उसके बाद में है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आई यू डी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ये भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट बात करते हैं आई यू जी आर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आई यू जी आर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और रिटार बाद में है आई पी आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है आई पी आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नेक्स्ट है आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है उसके बाद में आई एम आर इन्फेंट मोटिलिटी रेट इन्फेंट मोटिलिटी रेट ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है आई सी डी एस ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप याद कर लीजिएगा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का क्या है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च नेक्स्ट है आई ई इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है आई आई ई सी आई ई सी ये इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं आई यू सी डी इंटरा यूटर कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस इंटरा कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के अंदर क्या है आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आई सी एफ इंट्रा सेलुलर फ्लूड एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ठीक है तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड उसके बाद में आईएनसी आईएनसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इम्पोर्टेंट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसके बाद में है आईडीडीएम आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस उसके बाद में है आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है इंटेंसिव केयर यूनिट इसके बाद में है आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर सॉरी इसके बाद ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इसको एक बार देख लीजिएगा तो आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया अब अपन पढ़ने हैं लेटर नंबर एल तो जे एस वाई जननी सुरक्षा योजना ये आपका एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है जे ई जापानीज एनसेपेलाइटिस और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लेटर नंबर के लेटर नंबर के के अंदर है के यू बी किडनी यूरेटर और ब्लेडर ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर उसके बाद में है के एम सी कंगारू मदर केयर ये भी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है उसके बाद में है लेटर एल क्या है लेटर नंबर एल इसके बारे में बात करते हैं ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है एल एम पी लास्ट मैनुस्ट्रल पीरियड लास्ट मैनुस्ट्रल पीरियड उसके बाद में है एल एस सी एस ये एल एम पी वाला है ये एग्ज़ाम के अंदर क्या है आया हुआ है इसको एक बार रट लेना याद कर लेना नेक्स्ट बात कर रहे हैं एल एस सी एस तो लोअर सेगमेंट यूट लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन ठीक है ना एल की फुल फॉर्म क्या है लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है एक एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इसके अंदर है एल बी डब्ल्यू लो बर्थ वेट ये भी एग्जाम के अंदर क्या है आया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट है वो एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है नेक्स्ट बात करते हैं लेटर नंबर एम एम के अंदर एम सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट बात करते हैं एम एम आर मिजल्स एम एम आर मेटरनल मोर्टिलिटी रेट या मिजल्स मम्स रूबेला तो दोनों ही ध्यान रखना है मेटरनल मोर्टिलिटी रेट और मिजल्स मम्स रूबेला एम सी एस मेटरनल चाइल्ड हेल्थ ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है एम डी टी मेल्ड मल्टी ड्रग्स थेरेपी नेक्स्ट बात करते हैं एम ओ एच एफ डब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना नेक्स्ट बात करते हैं एम आर आई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इम्पोर्टेंट है एक बार ध्यान से देख लेना याद कर लेना एम एम आर मिजल्स मम्स रूबेला एम आई माओकार्डियल इन्फ्रक्शन उसके बाद में एम सी मेनिस्ट्रल साइकल और एम एल सी लीगल केसेज ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इम्पोर्टेंट है एक बार देख लीजिएगा एम वी आई मल्टी विटामिन इंजेक्शन विटामिन इंजेक्शन अब लेटर नंबर एन की बात करते हैं एन के अंदर लेटर नंबर एन की बात करते हैं देखिएगा एन के बारे में एन में है सबसे पहले है एनजीओ एनजीओ बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन एस वी नो स्काल वासेक्टोमी में नेक्स्ट बात करते हैं एन आर एस एम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एन आर एस एम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है इसको भी आप एक बार देख लेना नाको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है एन आई सी यू न्यूनटल इंटेंसिव केयर यूनिट और एन टी डी एन टी डी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है नंदा नंदा भी एग्ज़ाम के फुल फॉर्म के रूप में आया हुआ है नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन नेक्स्ट बातें एन पी ओ नथिंग बाय माउथ तो एन पी भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है उसको एक बार देख लीजिएगा और ये आज अपने आई से लेकर के एन तक के जितने भी कर जो एब्रीवेशन लेटर याद देखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसको सेलेक्टेड किया गया है तो आज इतना ही धन्यवाद